हेलो फ्रेंड्स, ये होंडा हॉर्नेट 2.2। आज हम आपको इसमें एक सीक्रेट चीज़ दिखाएंगे जो कंपनी ने इसमें दिया हुआ है नया मॉडल में। इसमें आपको बैटरी का वोल्टेज देखने को मिलेगा। देखिए 12.4 इसका वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये गाड़ी में कीक नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम आता है बैटरी का, तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप गाड़ी स्टार्ट करके इसको 5 से 6 हज़ार RPM रखेंगे तो आपका 13.6 से 14 तक जो दिखाएगा, तो मतलब समझ जाना कि आपका चार्जिंग ठीक ठाक दे रहा है। तो उससे कम देगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका आर रिंग का प्रॉब्लम है, नहीं तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम होगा। और ये गाड़ी में हेडलाइट का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, हेडलाइट जलता नहीं है। तो आप तब इजीली चेक कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी को स्टार्ट करके 5 से 6 हज़ार तक RPM रखेंगे तो 13.4 से 14 तक अगर ये वोल्टेज दिखाता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका राडर यूनिट ठीक है, तो दूसरा जगह में कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो हेडलाइट ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर ये वोल्टेज नहीं दिखा रहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका आर यूनिट का प्रॉब्लम है। तो आप इजीली ऐसे ही चेक कर सकते हो। और आपका अगर ऐसे भी वोल्टेज दिखा रहा है लेकिन स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी पे स्टार्ट गाड़ी नहीं हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका गाड़ी का बैटरी जो है वो ख़राब हो गया। अगर वारंटी में है तो आप उसको ठीक करा सकते हैं। 2.2 पे ज़्यादातर हेडलाइट का ही प्रॉब्लम होता है, इसका वजह आर यूनिट। तो आप घर पर ईजिली चेक कर सकते हो कि आपका आर यूनिट सही है कि नहीं है। सिस्टम दिया है ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।